कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद भी उसके साइड इफेक्ट्स के मामले सामने आए हैं। लोगों को कोरोना ठीक होने के बाद ब्लड प्रेशर, टेस्ट में बदलाव और लंबी खांसी जैसी परेशानियां देखने को मिली हैं। अब इसे लेकर एक नई रिसर्च सामने आई है। इसके मुताबिक किसी भी स्तर का कोरोना वायरस पुरुषों की प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकता है। IIT मुंबई ने दावा किया है कि मामूली या मध्यम स्तर का कोरोना वायरस संक्रमण भी पुरुषों के प्रजनन प्रणाली संबंधी प्रोटीन के स्तर में बदलाव कर सकता है, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। ये रिसर्च पत्रिका ACS ओमेगा में पिछले हफ्ते प्रकाशित हुई थी। इसमें COVID-19 से उबर चुके पुरुषों के वीर्य में प्रोटीन के स्तर का विश्लेषण किया गया था। रिसर्च करने वालों के मुताबिक COVID-19 के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 वायरस मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली पर असर डालता है, लेकिन यह वायरस और उसे लेकर शरीर की प्रतिक्रिया अन्य ऊतकों को भी नुकसान पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि हाल के अध्ययन से इस बात का संकेत मिलता है कि COVID-19 पुरुषों की प्रजनन क्षमता को कम कर सकता है। यह वायरस पुरुष प्रजनन अंगों में पाया गया है। हालांकि अभी शोधकर्ताओं का कहना है कि किसी भी पुख्ता नतीजे पर पहुंचने के लिए उन्हें और अध्ययन करने की जरूरत है। इस रिसर्च में मुंबई स्थित जसलोक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र के शोधकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। शोधकर्ताओं ने यह पता लगाना चाहा कि COVID-19 का पुरुष प्रजनन प्रणाली पर क्या कोई दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। उन्होंने एक तरफ 10 स्वस्थ पुरुषों के वीर्य और दूसरी तरफ हल्के या मध्यम कोरोना संक्रमण से हाल में उभरे 17 पुरुषों के वीर्य में प्रोटीन के स्तर की तुलना की। इन सभी पुरुषों की आयु 20 से 45 वर्ष थी और उनमें से किसी में भी पहले कोई प्रजनन क्षमता की समस्या नहीं रही थी। शोधकर्ताओं ने पाया कि कोरोना से संक्रमित नहीं हुए पुरुषों के मुकाबले COVID-19 से उभरे पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या काफी कम थी और उनमें सामान्य आकार के शुक्राणु भी कम थे। COVID-19 से संक्रमित हो चुके पुरुषों के वीर्य में प्रोटीन के स्तर में भी बदलाव देखा गया। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि सभी कोरोना संक्रमित पुरुषों के साथ ऐसी समस्या आए। ये कैसे और क्यों होता है, क्या ये स्थायी है या अपने आप ठीक भी हो सकता है, इसे लेकर और शोध किया जा रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।